बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का। तो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है अख्तर अली TV1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर इसके दो पार्ट्स हमें गिवन है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें से मैं आप लोगों को एक पार्ट करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 1.2 इस तरह से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में कि Z1 हमारे पास इक्वल है 1 प्लस आयोटा और Z2 हमारे पास इक्वल है 2 प्लस आयोटा के। तीसरा करते हैं दोस्तों, यहां पर इन्होंने हमें दिया है कि Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 साबित करें कि आपस में इक्वल है। दूसरा है Z1 डॉट Z2 और Z2 डॉट Z1। तो ये दोस्तों हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों हमारे पास। तो इसमें से सबसे पहले मैं आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट कराने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन के आगे आने वाले हैं वो मैं आप लोगों को कर उसमें समझा दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो Z1 प्लस Z2। Z1 किस चीज के इक्वल है? 1 प्लस आयोटा, और प्लस अपनी जगह पर Z2 किस चीज के इक्वल है? 2 प्लस आयोटा। तो दोस्तों ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो रियल को रियल के साथ ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करें। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों फिर हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, यानी Z2 प्लस Z1 की तरफ। Z2 दोस्तों इक्वल है 2 प्लस आयोटा और Z1 इक्वल है 1 प्लस आयोटा के। तो 2 और 1 3 आ जाएगा, आयोटा आयोटा क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आयोटा। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में एक जैसे आ गए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो गई है, ये बात यहाँ पर ये साबित हो गई है। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे पास Z1 डॉट Z2 भी है, अगर आप लोग चाहते तो ये भी चलो मैं आप लोगों को करा देता हूँ। Z1 डॉट Z2, Z1 दोस्तों इक्वल है 1 प्लस आयोटा के और हमारे पास 2 प्लस आयोटा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 2 1 आयोटा जा आयोटा, आयोटा को 2 से तो 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से तो हमारे पास दूसरा जगह आयोटा स्क्वायर। तो 2 दोस्तों अपनी जगह पर 1 आयोटा और 2 आयोटा, ये दोस्तों 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल है। तो 2 से 1 गया, हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास दोस्तों 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा। दोस्तों ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हम इस तरह करते हैं दोस्तों, Z2 डॉट Z1 अपने साथ लेते हैं, Z2 डॉट Z1। Z2 किस चीज के इक्वल है दोस्तों हमारे पास? 2 प्लस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करें दोस्तों, इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जार क्या जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 को आयोटा से 2 आयोटा, आयोटा को 1 से आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर दोस्तों आ जाएगा। सो 2 2 आयोटा और 1 आयोटा, ये आ जाएगा 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर दोस्तों इक्वल माइनस 1 के। 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 और ये आ जाएगा दोस्तों 3 आयोटा। ये दोस्तों आप इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है। तो रियल और इमेजिनरी आपस में ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 और 2 दोस्तों यहां पर हमारे पास क्या गया? सेम आ गया। तो Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z2 डॉट Z1। तो दोस्तों मैंने इसके दोनों ही पार्ट्स आप लोगों की खिदमत में सॉल्व कर लिए हैं। अभी आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आसान है, थोड़ी सी लेंथी है, एक्सरसाइज भी थोड़ा सा लेती है। तो ये दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हमारे पास है Z1 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, Z3 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरह कर रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी, लेकिन यहाँ पर एसोसिएटिव है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कमोटेटिव था। यहाँ पर एसोसिएटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1, Z2 और Z3। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है, क्या आप मालूम करें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3
और यहाँ पर आ जाएगा जेड वन प्लस जेड टू और यहाँ पर आ जाएगा प्लस जेड थ्री। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों हम सबसे पहले ब्रैकेट को मालूम करेंगे जेड टू प्लस जेड थ्री। तो जेड टू किस चीज के इक्वल है दोस्तों, थ्री प्लस टू आयोटा, और जेड थ्री इक्वल है हमारे पास क्या चीज, माइनस टू प्लस थ्री आयोटा। तो दोस्तों थ्री और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस टू, टू आयोटा और थ्री आयोटा। तो थ्री से टू किया दोस्तों वन, टू आयोटा और थ्री आयोटा फाइव आयोटा। अभी इसके साथ दोस्तों हम जेड वन वैल्यू एड करते हैं, तो जेड टू प्लस जेड थ्री आसान है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। जेड वन इक्वल है हमारे पास माइनस वन माइनस आयोटा और ये इक्वल है हमारे पास किस चीज के, वन प्लस फाइव आयोटा। अभी ब्रेकेट दोस्तों खत्म करें, माइनस वन माइनस आयोटा प्लस वन प्लस फाइव आयोटा, माइनस वन और प्लस वन दोस्तों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फाइव आयोटा से वन आयोटा गया तो फोर आयोटा। दोस्तों ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर वन। अभी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन इक्वल है माइनस वन माइनस आयोटा और जेड टू दोस्तों इक्वल है थ्री प्लस टू आयोटा। तो दोस्तों थ्री से वन के टू आ जाएगा, टू आयोटा से वन आयोटा गया तो वन आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अभी दोस्तों इसको हम ऐड करेंगे जेड थ्री के साथ, यानी जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, इसको ब्रैकेट में बंद करिए दोस्तों, इक्वल हमारे पास किस चीज के, ये जेड वन प्लस जेड टू दोस्तों हमारे पास इक्वल है टू प्लस वन आयोटा और प्लस जेड थ्री, जेड थ्री को ले दोस्तों हमारे पास किस चीज के, डायरेक्टली लिख लेते हैं माइनस टू प्लस थ्री आयोटा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर माइनस टू प्लस टू आपस में कैंसिल, वन आयोटा और थ्री आयोटा, इसका आंसर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या चीज, फोर आयोटा। तो इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। तो इक्वेशन वन और टू दोस्तों आपस में क्या गया, सेम आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर साबित हो गया है। या आप ये भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर आप लोगों की क्वेश्चन है कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, ये भी आप दोस्तों अपने साथ लिख सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट ही वो मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, वो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है। अभी मल्टीप्लीकेशन का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अच्छा जी, अभी हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। थ्री में दोस्तों हमें क्या कहता है, थ्री में दोस्तों हमें यहां पर कहता है कि जेड वन इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू आयोटा, जेड टू इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू आयोटा। यहां पर दोस्तों हमें कहता है कि साबित करें कि जेड वन और जेड टू प्लस जेड थ्री ये इक्वल है जेड वन डॉट जेड टू और जेड वन डॉट जेड थ्री। यहाँ पर जेड थ्री भी दोस्तों मैं लिख लेता हूँ, जेड थ्री दोस्तों हमारे पास इक्वल है टू माइनस टू आयोटा। दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है, जेड वन को जेड टू के साथ लिया है फिर जेड वन को जेड थ्री के साथ लिया गया है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है दोस्तों हमारे पास। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले अपने साथ ब्रेकेट को लेंगे, तो जेड टू प्लस जेड थ्री, जेड टू किस चीज के इक्वल है दोस्तों, अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू आयोटा, जेड थ्री दोस्तों इक्वल हमारे पास टू माइनस टू आयोटा। अच्छा जी, अब रियल को रियल के साथ ऐड कर ले और इमेजरी को इमेजरी के साथ ऐड कर ले, माइनस टू आयोटा। अच्छा जी, अभी रियल को अलग से आप लोग बंद कर ले ब्रेकेट में और इमेजरी, इन दोनों से माइनस साइन काम ले ले, अंडर रूट टू और माइनस टू ये प्लस आ जाएगा और आयोटा दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने साथ लिखा हुआ है। अभी इसके साथ दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे जेड वन के साथ, यानी जेड वन को मल्टीप्लाई करेंगे जेड टू प्लस जेड थ्री के साथ। अच्छा जी, अभी जेड वन, जेड वन किस चीज के इक्वल, अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू आयोटा और जेड टू प्लस जेड थ्री दोस्तों हमारे पास ये, आप इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, मैं इसको इस शक्ल में लिखता हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा आसान है। ठीक है जी, आप दोनों यूज कर सकते हैं लेकिन मैं अपनी आसानी के खातिर इसको ले रहा हूँ क्योंकि इससे तो ये हमारे पास आया हुआ है। अच्छा, अंडर रूट थ्री को इन सब से भी मल्टीप्लाई करेंगे, टू अंडर रूट आयोटा को भी इन सब से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट थ्री स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो टू बाहर आ जाएगा, अंडर रूट थ्री अंदर आ जाएगा। ये दोस्तों ये अंडर रूट के अंदर ये बाहर है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि टू थ्री जार सिक्स हमारे पास आ जाए, तो ये बाहर रहेगा और ये अंदर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों, ये अब ये दोनों अंडर रूट में है तो दोनों अंडर रूट में नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो टू थ्री जार क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा और इसके साथ आयोटा भी, इसको अभी इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस टू अंडर रूट थ्री और यहाँ पर क्या चीज़ है, इसके साथ आयोटा भी है। अब इसको दोस्तों सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट टू को थ्री के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिक्स अंडर रूट आयोटा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू अंडर रूट टू आयोटा, इसको इसके साथ तो अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू
और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट टू स्क्वेयर और इसके साथ क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर, इसको भी इसके साथ प्लस माइनस माइनस टू अंडर रूट टू आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। दोस्तों भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती है, इसके साथ कैंसिल थ्री आ जाएगा, टू अंडर रूट थ्री आ जाएगा, अंडर रूट सिक्स आयोटा आ जाएगा और कुछ वैल्यूज आपस में अगर कैंसिल होते हैं वो भी देखेंगे हम। यहाँ पर अंडर रूट सिक्स आयोटा, टू अंडर रूट टू आयोटा, ये इसके साथ कैंसिल करें, इससे माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस वन आ जाएगा। अच्छा जी, इससे माइनस वन आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस वन के, दोस्तों हमारे वैसे ही खुली आप लोग अब दोस्तों अपने साथ याद रखिए, माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो टू अंडर रूट टू हमारे पास दोस्तों आ जाएगा। अभी देखते हैं किसमें कौन सी वैल्यूज आपस में कैंसिल होती हैं, होती है तो ठीक है, नहीं होती तो बस छोड़ दें। ये भी रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो वन और इससे क्या जाता है हमारे पास वन, ये वन दोस्तों ये यहाँ से आ गया है मेरे ख्याल में, ये तो अपनी जगह पर, इससे दोस्तों हमारे पास क्या जाएगी क्या चीज़ आयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन के इसके साथ तो ये प्लस टू आ रहा है, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो टू, हाँ तो थ्री और टू दोस्तों आपस में ऐड कर ले क्या जाएगा हमारे पास फाइव आ जाएगा। अच्छा जी, अभी मजीद यहाँ पर रियल पार्ट ये है और ये दो मरतबा अंडर रूट टू है, ये दो मरतबा अंडर रूट थ्री है, तो दो मरतबा अंडर रूट थ्री और दो मरतबा अंडर रूट टू। अच्छा इमेजिनरी ये और ये, अच्छा अभी ये और ये दोस्तों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस सिक्स है ये प्लस सिक्स है, अभी ये और ये रह गया हमारे पास, तो सबसे पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं बाद में नेगेटिव वाला लिख लेते हैं अंडर रूट थ्री आयोटा। दोस्तों ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड से, अभी दोस्तों हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे और उसका भी कोशिश करेंगे कि ये आंसर आ जाए, अगर ये आंसर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर ये नहीं आता तो क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों गलत होगा, इसको अब इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें बस, बाकी चीज़ें हम हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये आंसर हमारे पास रह जाएगा क्योंकि ये हमने अपने साथ क्या करना है दोस्तों लाना है। अच्छा जी यहाँ पर अभी मैं ले रहा हूँ अपने साथ क्या चीज़ जेड वन डॉट जेड टू, तो जेड वन डॉट जेड टू, जेड वन इक्वल है अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू आयोटा, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेंगे अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू आयोटा, तो दोस्तों इसके इससे साथ मल्टीप्लाई करें अंडर रूट थ्री स्क्वेयर आ जाएगा, इसको इसके साथ तो अंडर रूट सिक्स, थ्री टू जार सिक्स आ जाएगा इसके साथ आयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट टू थ्री जार सिक्स आ जाएगा इसके साथ आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू स्क्वेयर आयोटा 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 स्क्वेयर, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल थ्री, यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल, क्या बचेगा दोस्तों टू और आयोटा स्क्वेयर माइनस वन की इक्वल है, तो थ्री ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू वन टू आ जाएगा तो इससे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या चीज़ फाइव जेड वन डॉट जेड टू से तो ये आ गया। अभी क्या मालूम करेंगे जेड वन डॉट जेड थ्री, इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाता है जेड वन डॉट जेड थ्री, तो जेड वन दोस्तों इक्वल है हमारे पास अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू आयोटा और जेड थ्री इक्वल है टू माइनस टू आयोटा, तो अभी इसको इसके साथ दोस्तों मल्टीप्लाई करें टू अंडर रूट थ्री आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू अंडर रूट थ्री आ जाएगा हमारे पास और इसके साथ आयोटा भी है, इसको मल्टीप्लाई करें तो टू बाहर रह जाएगा टू अंदर रह जाएगा और आयोटा प्लस माइनस माइनस टू अंडर रूट टू और आयोटा स्क्वेयर, तो टू टाइम अंडर रूट थ्री और ये टू टाइम अंडर रूट थ्री आयोटा अंडर रूट टू आयोटा और यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस वन क्योंकि माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस टू अंडर रूट टू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा। अभी रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं, यानी टू अंडर रूट थ्री और टू अंडर रूट टू और ये इमेजरी को इमेजरी के साथ लिख लें टू अंडर रूट टू आयोटा और ये बाद में लिख लें माइनस टू अंडर रूट थ्री आयोटा। अभी दोस्तों हम इस तरह करते केस के आंसर और इसके आंसर आपस में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, केस का आंसर तो हमारे पास कौन सा ये है तो हम ऐड कर लेते हैं, यानी फाइव प्लस टू टाइम अंडर रूट थ्री टू टाइम अंडर रूट टू टू अंडर रूट टू आयोटा और टू टाइम अंडर रूट थ्री आयोटा, इसको आप दोस्तों इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें, तो अभी अगर आप दोनों इक्वेशन दोस्तों आपस में देख ले, यहाँ पर देखिए फाइव फाइव टू टाइम अंडर रूट थ्री टू अंडर रूट टू टू अंडर रूट टू टाइम अंडर रूट टू आयोटा, और दोस्तों ये देखा आपस में ये दोस्तों सेम आ गए हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दोस्तों क्या चीज राइट हैंड साइड, तो ये दोस्तों हमारे पास क्या क्या प्रूफ हो गया साबित हो गया। अभी दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी, थोड़ा सा लेंथी है
लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई है, अगर हम फर्स्ट ईयर में होकर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो फिर हमारे फर्स्ट ईयर में रहने का फायदा ही क्या है दोस्तों। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो जरूरी है आप लोगों को कि सिर्फ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और एड अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हमें फर्स्ट ईयर में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है कि इसका एडिटिव इनवर्स वॉल्यूम करें। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास नंबर्स पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करें, दोनों पॉजिटिव है तो दोस्तों क्या जाएगा ना, दोनों नेगेटिव, बस सिंपल सी बात है। यह गए दोस्तों हमारे पास क्या चीज, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव। द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या गया हमारे पास दोस्तों, नेगेटिव आ गया। बस इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये उस जैसे क्वेश्चन नहीं है, पेपर के ऑब्जेक्टिव्स में अगर आ जाए तो ठीक है, वरना जरूरत भी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हमें कहता है कि 1 + 2 = 2। ये क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और हर मतलब पेपर में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें कहते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोस्तों हमें क्या करना है, वॉल्यूम करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेट जेड बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + 2 iota। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, लेट जेड बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाँ बस ये सही है। दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, वैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 है, मैं आपसे कहता हूँ कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोस्तों हो जाएगा हमारे पास 1/5। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर दोस्तों आप ले ले, -9 ले ले मिसाल के तौर पर, तो इसका आ जाएगा -1/9। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आप दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए दोस्तों, 1 ही आएगा। तो इसको किसी भी ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ठीक है ना जी, कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 + 2 iota और जेड, ये दोनों आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए ना, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ये इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, यानी 1/1 + 2 iota। अभी दोस्तों जी डी जी को 1/1 + 2 iota इस तरह करें कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करे और इसके कंजुगेट से डिवाइड भी करे, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों सेम होने चाहिए, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे को नीचे से, 1 को 1 से 1 आ जाएगा, 1 को 2 से 2 iota आ जाएगा, 1 का 1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, a + b - b का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा iota स्क्वायर। तो अभी दोस्तों ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 - 2 iota और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, iota स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो 1 - 2 iota यहाँ पर आ जाएगा 1 - -+4 × 1 = 4 आ जाएगा, 1 - 2 iota उससे आ जाएगा 5। तो यहाँ पर दोस्तों 1 को अलग से 5 से डिवाइड करें और 2 को अलग से 5 से डिवाइड करें, इसके साथ आयोटा भी है। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स जो हमारे पास है ना, ये वाला इसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स दोस्तों हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा, और अगर रिजल्ट 1 नहीं आया तो इसका मतलब ये कि हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या चीज़ है, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन गलत है। मिसाल के तौर पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको इससे, वैसे ये तो हमसे मांगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए करता हूं कि आया अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों जरा देखिए आप लोग, 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें, 1/5, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। अभी 2 iota को 1 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों नीचे के साथ ये कैंसिल होगा, तो 2 × 1 = क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 iota / 5 ± -2 × 2 = 4, नीचे है 5 iota / iota² दोस्तों हमारे पास आएगा, ठीक है। दोस्तों अभी देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1/5 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, आयोटा स्क्वायर किस इसके बोले -1, तो -1 क्या हो जाएगा +4/5। अभी नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें से आप 1 5 ले लें और नीचे नंबर अगर एक जैसे दो ऊपर वाले नंबर अपनी जगह पर उतार दें तो 1/4 जमा करें दोस्तों क्या हो जाएगा 5/5 के साथ कैंसिल क्या बचेगा 1। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 पार्ट से, एक मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, दूसरा आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों आपस में बढ़ते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर पेपर में आता है। अभी आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है हमारे पास,
6. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से हमारे पास कि z1 इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट -3, z2 इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट -4। यहाँ पर हमें दिया गया है z1 प्लस z2 बार होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। दोस्तों ये हम यहाँ पर गिवन है, तो सबसे पहले दोस्तों अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है उसको हम यहाँ पर से क्या करते हैं, हटा देते हैं। किस तरह से हटाएंगे दोस्तों, देखिए z1 इज इक्वल टू -3 और यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -3 अंडर रूट है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अपने साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों दोबारा से हमारे पास -3 आ जाएगा, -3 माइनस। अभी दोनों के लिए अलहदा अलहदा अंडर रूट ले लेता हूँ दोस्तों में, तो यहाँ पर देखिए -3। और दोस्तों याद रखिए कि अगर आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की कल है तो यहाँ पर इसका अंडर रूट ले, इसका अंडर रूट ले लीजिए, इसके साथ कैंसिल, तो आयोटा इक्वल आ जाएगी किस इसके -1 अंडर रूट के, तो यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगा आयोटा और यहाँ पर अंडर रूट 3। इसी तरह से दोस्तों मैं ये दूसरा ले लेता हूँ अपने साथ, ये वाला z2 इज इक्वल टू 4 प्लस -1 के लिए अलग अंडर रूट लिया और 4 के लिए अलग ले लिया, तो 4 इसकी जगह आ जाएगा आयोटा और इसकी जगह में लिख सकते 2/2 अंडर रूट, ये इसके साथ कैंसिल, तो 4+2 आयोटा दोस्तों हमारे पास आ जाएगा। आयोटा आगे पीछे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी दोस्तों सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, बार में इसका हम बार ले लेते हैं z1 प्लस z2। z1 किस चीज के इक्वल है दोस्तों, -3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और z2 दोस्तों हमारे पास इक्वल है 4+2 आयोटा। तभी दोस्तों रियल को रियल के साथ, सो 4 से 3 गया 1 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और 2 आयोटा। दोस्तों ये तो हमारे पास आ गया ये z1 प्लस z2 से, लेकिन इससे हम इस तरह करते दोस्तों कि आयोटा हम काम ले लेते हैं 1 माइनस यहाँ पर हमारे पास दोस्तों आ जाएगा अंडर रूट 3 -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। z1 प्लस z2 दोस्तों अभी इस तरह करके यहाँ पर भी होल बार ले ले, यहाँ पर भी होल बार ले ले। बार का दोस्तों मकसद ये है कि हमारे पास कि दूसरा नंबर जो होता है इमेजरी पार्ट का साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन चेंज करना है और रियल पार्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी ये माइनस था तो प्लस हो गया और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3 -2 और यहाँ पर दोस्तों आयोटा, ये हो गया दोस्तों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, यानी z1 बार। z1 तो दोस्तों हमें पता है कि z1 किस चीज के इक्वल, इसके इक्वल है, तो देखिए ना -3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, यहाँ पर भी बार ले ले, यहाँ पर भी बार ले ले, तो सिर्फ साइन चेंज करें दोस्तों, -3 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। अभी z2 कौन सा है दोस्तों हमारे पास, ये 4+2 आयोटा, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह करें कि बार ले लें और साइनस का क्या कर दे, चेंज कर दे, आ जाएगा z2 बार। अभी z1 और z2 दोनों दोस्तों हमारे पास आ गए, दोनों को क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है, तो z1 बार प्लस z2 बार। z1 किस चीज के इक्वल है दोस्तों हमारे पास, ये है दोस्तों -3 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और z2 हमारे पास है दोस्तों 4-2 आयोटा, तो 4 से जब 3 गया 1 आ जाएगा और इन दोनों से दोस्तों आप लोग क्या काम ले ले, आयोटा काम ले ले, यानी अंडर रूट 3 -2 और आयोटा ही आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दे दोस्तों, तो 1 और 2 की तरफ जरा देखें दोस्तों दोनों आपस में इक्वल आ गई या नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोस्तों एक्सरसाइज थोड़ा सा लंबा है तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, आधे घंटे तक पहुंच जाए खैर है, लेकिन अगर 1 घंटे तक पहुंच जाए तो फिर उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी आप लोगों की खिदमत में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लूं। और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं एक लेक्चर सिर्फ एक एक्सरसाइज का करता हूँ, यानी अगर वो आधे घंटे का या 15 मिनट का है, लेकिन एक एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में आना चाहिए। अभी दोस्तों मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, लेकिन 7 और 6 की अगर हम बात करें दोस्तों 100% एक जैसे, लेकिन 7 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, और 6 में दोस्तों हमारे पास क्या था, ये एडिशन था, तो 7 आप लोग कर लेंगे। अगर कोई मसला हो तो कमेंट में आप लोग फिर मुझे बता सकते हैं। 8 की तरफ दोस्तों अभी हम आते हैं। अच्छा जी 8 में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों डिवीजन है हमारे पास यही है, z1 इज इक्वल टू -a - 3b आयोटा, z2 इज इक्वल टू 2a - 3b आयोटा। दोस्तों ये हमारे पास आ गया, हमें यहाँ पर दिया गया कि आप लोग साबित करें, क्या साबित करें, z1 बाई z2 होल बार इज इक्वल टू z1 सेपरेट बार और z2 सेपरेट, ये दोस्तों सेपरेट है और ये हमारे पास दोस्तों होल है।
तो सबसे पहले हम इस तरह करते कि जेड वन बाई जी टू दोस्तों हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, जेड वन बाई जी टू, जेड वन की वैल्यू कौन सी है माइनस ए माइनस थ्री बी आयोटा और जी टू की वैल्यू है टू ए माइनस थ्री बी आयोटा। दोस्तों इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, इसका कंजुगेट दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी टू ए प्लस थ्री बी आयोटा, टू ए प्लस थ्री बी आयोटा। अभी नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, माइनस ए को टू ए से मल्टीप्लाई करें माइनस टू ए पावर टू माइनस प्लस माइनस थ्री ए बी आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें दोस्तों टू थ्री जार सिक्स ए बी आयोटा माइनस प्लस माइनस थ्री थ्री जार नाइन बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। अच्छा जी ये दोस्तों ए माइनस बी प्लस बी के फार्मूले से कर लेते हैं, टू ए टू ए टू ए स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस थ्री का और बी का होल स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर। अच्छा जी अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस टू ए स्क्वेयर माइनस सिक्स और माइनस थ्री माइनस नाइन ए बी आयोटा, आयोटा स्क्वेयर माइनस वन की कोलेज के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा नाइन बी स्क्वेयर, इससे आ जाएगा दोस्तों फोर ए स्क्वेयर और ये नाइन बी स्क्वेयर और आयोटा स्क्वायर माइनस वन की कोलेज तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी इसको इसके साथ दोस्तों ले लें रियल को रियल के साथ, माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर और क्या चीज़ है माइनस नाइन ए बी आयोटा। अभी दोस्तों हमारे पास क्या चीज़ है फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन क्या चीज़ बी स्क्वेयर, दोस्तों ये हमारे पास है कि तो ये हमारे पास दोस्तों रियल पार्ट है और ये दोस्तों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। आप इसको इससे अलग डिवाइड कर सकते हैं और इसको अलग डिवाइड कर सकते हैं, यानी माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अलग से सेपरेटली फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर दरमियान में माइनस है नाइन ए बी आयोटा डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया, अभी इसका दोस्तों हमने क्या करना है बार लेना है, जब बार इसका हम लेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से होगा, यानी ये जेड वन प्लस जेड टू ये तो हमारे पास आ गया ना, अभी इसका जब हम बार लेंगे इसका बार अलग से ले लें इसका अलग से ले तो सिर्फ दरमियान में ये मेजरी पार्ट का जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बस जेड वन बाई जेड टू होल बार इज इक्वल टू यही लिखते हैं, लेकिन इसका साइन हम क्या करते हैं बार जब हम हटा देते हैं तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वेयर नाइन बी स्क्वेयर और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा नाइन ए बी आयोटा, यहाँ पर जगह नहीं है नाइन ए बी आयोटा डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर। तो दोस्तों ये हमारे पास आगे क्या चीज इक्वेशन नंबर वन आ गया, अभी हम इक्वेशन नंबर टू क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्तों, चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये दोस्तों बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ये याद रखें, बाकी याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है दोस्तों ये वाला। अच्छा अभी राइट हैंड साइड में दोस्तों हमारे पास क्या होगा, जेड वन का बार अलग से ले लें, जेड टू का अलग से ले लें, आपस में क्या कर दे दोस्तों डिवाइड कर दे। तो अभी दोस्तों ये जेड वन बार तो माइनस ए माइनस थ्री बी आयोटा, इसका भी बार ले ले, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा थ्री बी आयोटा, इस तरह से इसका दूसरे का भी ले ले जेड टू बार थ्री बी आयोटा, इसका भी बार ले ले तो टू ए प्लस थ्री बी आयोटा। अच्छा अभी दोस्तों क्या करना है, अभी हमने डिवाइड करना है, अभी जेड वन बार बाय जेड टू बार, जेड वन दोस्तों किस चीज के इक्वल है हमारे पास, ये माइनस ए प्लस थ्री बी आयोटा और जेड टू इक्वल है हमारे पास दोस्तों ये टू ए प्लस थ्री बी आयोटा, तो इसके कंजुगेट से दोस्तों मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो। दोस्तों हमें किस तरह से पता चलेगा किसका कंजुगेट हमने लेना है, याद रखिए कि यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा नहीं आना चाहिए, आयोटा को हमने हर सूरत में क्या करना है खत्म करना है, चाहे हर कहीं पर हो आप लोगों के पास टू ए तो ये इसका साइन नेगेटिव ले ले अगर पॉजिटिव है तो, और टू ए माइनस थ्री बी आयोटा, अभी नोमिनेटर को नोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस ए को टू ए से तो माइनस टू ए स्क्वेयर आ जाएगा, इसको इससे तो प्लस थ्री ए बी आयोटा आ जाएगा, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो सिक्स ए बी आयोटा प्लस माइनस माइनस नाइन बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, नीचे हम डिनोमिनेटर में दोस्तों टू ए और टू ए तो टू ए का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री बी होल स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर माइनस टू ए स्क्वेयर सिक्स और थ्री क्या आ जाएगा दोस्तों नाइन ए बी आयोटा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर माइनस वन की बोले तो माइनस माइनस प्लस नाइन बी स्क्वेयर दोस्तों आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा फोर ए स्क्वेयर नाइन बी स्क्वेयर, ठीक है ना दोस्तों, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन की बोले तो माइनस माइनस मैंने डायरेक्टली बस क्या कर दिया प्लस कर दिया,
अभी रियल और रियल दोनों ऐड करें, इससे अलग से डिवाइड करें, माइनस टू ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या चीज़ है, प्लस नाइन ए बी आयोटा डिवाइड बाई क्या चीज़, फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर टू। अगर आप लोग गौर से देखिए इक्वेशन नंबर वन और टू की तरफ, तो दोस्तों दोनों आपस में क्या होंगे, 100% इक्वल होंगे। अच्छा जी, उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी दोस्तों इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये नाइन की तरफ दोस्तों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, बस एक दो सवाल और रहते हैं इस एक्सरसाइज में, तो ये मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह नए एक्सरसाइज के साथ दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर नाइन में दोस्तों हमें कहता है कि आप लोग सॉल्व करें जेड वन डॉट जेड टू एब्सोल्यूट इज इक्वल टू कौन सा है, हाँ ये जेड वन का अलग एब्सोल्यूट और जेड टू का सेपरेटली एब्सोल्यूट, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, ये हमें यहाँ पर दोस्तों क्या करनी है, साबित करनी है। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से है कि हम अपनी तरफ से लेते हैं, यानी जेड वन की वैल्यू हम अपनी तरफ से लेते हैं ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा, और जेड टू की वैल्यू दोस्तों हम अपने साथ लेते हैं सी प्लस डी आयोटा। यहाँ पर चूंकि इन्होंने वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर जेड वन की ये वैल्यू ले ली और जेड टू की दोस्तों ये वैल्यू हमने अपने साथ लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस तरह करते हैं कि ये तो हमारे पास सिंपल फॉर्म है, यानी ये तो हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म है, कम्प्लेक्स नंबर है। अभी इस तरह करते हैं कि हम इसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब दोस्तों ये है कि इसको आप अंडर रूट पे ले लेते, तो फिर इसमें आयोटा हमारे पास नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लिखते हैं अपने साथ रियल पार्ट, यानी ये आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास बी स्क्वायर। अगर हम जी टू एब्सोल्यूट ले लें तो ये दोस्तों हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोस्तों इसमें आप आयोटा नहीं ले सकते अपने साथ, सिर्फ और सिर्फ रियल और इमेजिनरी का जो हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है वो दोस्तों हम अपने साथ यहाँ पर ले लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने अपने साथ यहाँ पर क्या कर दिया, ले लिया, जेड वन एब्सोल्यूट भी आ गया, जेड वन जेड टू एब्सोल्यूट भी हमारे पास। अभी क्या करते हैं हम जेड वन और जेड टू को आपस में सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जेड वन है तो जेड वन इक्वल है वन ए प्लस बी आयोटा, और फिर जेड टू हमारे पास इक्वल है सी प्लस डी और आयोटा हमारे पास। तो दोस्तों इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, एक अगर सी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा ए सी, एक अगर डी से मल्टीप्लाई करें तो ए डी आयोटा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो बी सी आयोटा, और बी को अगर डी से मल्टीप्लाई करें तो बी डी आयोटा स्क्वायर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ए सी, अच्छा जी यहाँ पर बी डी है हमारे पास, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का अगर हम वैल्यू ले लें माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा माइनस बी डी। तो ये मैंने रियल को रियल के साथ लिख दिया, और अभी इमेजनरी को दोस्तों मैं इमेजनरी के साथ लेने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं लेता हूँ ए डी प्लस बी सी और इसके साथ यहाँ पर आयोटा काम ले लें। तो दोस्तों ये हमारे पास रियल पार्ट होगी, ये हमारे पास दोस्तों इमेजरी पार्ट हो गया। अभी इसका भी दोस्तों हम यहाँ पर मल्टीप्लाई तो किए लेकिन यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट तो नहीं लिया, तो चलो इसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं जेड वन डॉट जेड टू। तो दोस्तों इस तरह करते हैं कि इमेजरी पार्ट में पहले से बता चुका हूँ कि इमेजरी पार्ट हम इसमें से अपने साथ नहीं लेते, अगर हम इमेजरी ले रहे तो यह सारा कुछ हमारे पास इमेजरी हो जाएगा, तो फिर हम साबित क्या करने वाले हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा अभी ये हमारे पास ए स्क्वायर, ये समझिए ए है, ये समझिए बी है, जिस तरह से यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये भी आप समझिए ए स्क्वायर है और ये हमारे पास बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के अंदर हमारे पास स्क्वायर आ गया, तो इसको हमने अपनी तरफ से खोलना है। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगी, यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी और डी। यहाँ पर अभी अगर इसको दोस्तों हम ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए बी सी और डी। तो माइनस टू ए बी सी डी प्लस टू ए बी सी डी के साथ दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों हमारे पास। अभी दोस्तों हमने क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर टर्म्स को यहाँ पर हमने अपने साथ ले लेना है, यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर को हमने यहाँ पर लेना है अपने साथ बी स्क्वायर और डी स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा। अभी इन दोनों में हमारे पास दोस्तों क्या कॉमन होता है, कुछ भी नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन होता है, कुछ भी नहीं, तो इसको इसके साथ लिख लेते हैं और इसको इसके साथ, यहाँ पर हम अपने साथ
नोट कर लेते हैं। इसको मैं जरा साफ कर लेता हूँ। ये दोस्तों हमें साबित करना है दोनों के आंसर्स को। तो आंसर्स हमारे पास ये, इसको मैं यहाँ पर साफ कर लेता हूँ। ये अच्छा जी, हमारे पास दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको इसके साथ लिया, इसको इसके साथ ले लिया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर इसको इसके साथ तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हाँ सही है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेते कामन इन दोनों में से ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों कामन ले ले दोस्तों बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों तो सेम आ गए हमारे पास। अभी दोस्तों हम लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन दोनों में दोस्तों आप लोग एक ले लें, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये तो दोस्तों यहाँ तक हमने इसको क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अच्छा अभी दोस्तों हम इस तरह करते हैं कि दोनों को हम अलहदा अलहदा अंडर रूट में ले लेते हैं। इसको अलहदा अंडर रूट में ले लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको अलहदा ले लें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो हमारे पास था जेड वन, ये हमारे पास आ रहा था ना जेड वन डॉट जेड टू इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास क्या था जेड वन डॉट जेड टू, ये हमारे पास दोस्तों आ रहा है इस तरह से जेड वन डॉट जेड टू एब्सोल्यूट। अच्छा अभी अगर आप लोग गौर करें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किस चीज़ के इक्वल है, जेड वन के बराबर है, यानी जेड वन डॉट अपनी जगह पर आ गया। ये आप जरा गौर करें तो ये किस चीज़ के इक्वल है, ये जेड टू के इक्वल है या नहीं। तो देखो ना जेड वन डॉट जेड टू एब्सोल्यूट इक्वल है जेड वन एब्सोल्यूट डॉट जेड टू एब्सोल्यूट। तो दोस्तों यहाँ पर ये हम यहाँ पर क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। इसमें दोस्तों हमारे पास दो पार्ट्स मजीद है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल 100% इजी सा है, वरना फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे पास। अभी दोस्तों हम आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, उसमें एक दो पार्ट्स में हम उनकी खिदमत में पेश कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को दोस्तों अब क्या करें, जुदा जुदा करें, सेपरेट करें, यानी 2 + 3 ये उठा। तो सिंपल बात है दोस्तों, ये 2 हमारे पास क्या चीज़, ये रियल पार्ट है हमारे पास, और 3 आयोटा हमारे पास क्या है दोस्तों, ये आयोटा हम नहीं लेते सिर्फ सिर्फ 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा इमेजिनरी और पार्ट, ठीक है जी। तो 2 रियल पार्ट है और 3 हमारे पास क्या चीज़ है, इमेजिनरी पार्ट है, बस ये तो सॉल्व हो गया। अभी 2 की तरफ आ जाते हैं। 2 में दोस्तों हमें दिया गया है 3 - 3 आयोटा होल स्क्वायर, तो ये तो दोस्तों हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर दोस्तों 3 × 3 = 9 आयोटा, 2 × 3 = 6 6 × 3 = 18 और इसके साथ दोस्तों आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है। अच्छा जी यह आ जाएगा 9 + 9 आयोटा स्क्वायर -1 के -18 आयोटा, तो 9 - ±9, ठीक है जी -9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये -18 और आयोटा। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों ये 3 × 3 = 9 आ जाएगा, हाँ ये यहाँ पर 9। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन चलो फिर भी जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर मेरे ख्याल में 2 है बुक में 2, ठीक है ना जी। यहाँ पर इन्होंने 3 दिया है, तो ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो खैर कोई बात नहीं, 9 आप लोगों को मेथड आना चाहिए, आप क्वेश्चन की तरफ मत देखिए। अगर चलो मैं यहाँ पर 2 भी ले लो अपने साथ, तो यहाँ पर आप ले ले अपने साथ 2, यहाँ पर भी ले ले आप अपने साथ क्या चीज़ 2, तो जहाँ पर 3 है वहाँ पर 2 पुट करें। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 4, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 4, तो 9 × 4 = 5 आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है 2 × 3 = 6 6 × 2 = 12, तो ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 12। तो 18 जहाँ पर है वहाँ पर 12, ये नया किताब है तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक भी है हमारे पास। 9 × 4 = 5 5 और यहाँ पर दोस्तों -12 आयोटा। तो रियल पार्ट जो हमारे पास दोस्त है वो 5 है, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास है दोस्तों हमारे पास क्या चीज़ -12 और आयोटा, तो आप इसमें से नहीं ले सकते दोस्तों। ये हमारे पास दो पार्ट्स में आप लोगों की खिदमत में सॉल्व कर दिए। चलिए एक और भी लिख लेते हैं,
देखते हैं थोड़ा सा। चलिए ये वाला हल कर लेते हैं, ये वाला 5 पार्ट। अच्छा जी, हमारे पास 3 - 2 iota / -1 + iota। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने डिनोमिनेटर को देखना है, यहाँ पर नीचे आयोटा है, इसको हर हालत में आप लोगों ने ख़त्म करना है। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 3 1 क्या जाएगा 3 3 iota / 3 iota, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें, -2 iota - -2 iota को आयोटा से तो 2 iota² -1 - 1 - 1 square +- और आयोटा स्क्वायर। दोस्तों हमारे पास जगह a - b + b का फार्मूला अप्लाई किया है, -3 बड़ा है इसके साथ माइनस है, 3 iota से 2 iota गया तो 1 iota 2 iota² - 1 की बोली, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी, -3 - 1 iota + -2 आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 1 - iota² - 1 की बोली तो -1 + 1 आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, तो 3 से और -2 क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, -1 iota और नीचे जाएगा दोस्तों हमारे पास 2, और यहाँ पर 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, -5/2 और -1/2 और iota। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन, ये हमारे पास रियल पार्ट यानी ये x की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यानी ये y की वैल्यू हो गई दोस्तों हमारे पास। दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2। कल इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में 1.3 के लिए दोबारा से हाजिर होंगे। अगर आप लोगों का कोई मसला है इस क्वेश्चंस में, आप लोगों को समझ नहीं आते, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकूँ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।